की बहन से जो बात की हमारी सहयोगी हर्षा ने, वो दोबारा आपको सुनवाते हैं। बताइए कैसे देख रही हैं, सब कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है, कैसे ले रही हैं चुनावों को? नर्वस है, डर लग रहा है क्योंकि परीक्षा आपकी भी है? जी नहीं, बस यही उम्मीद है सबसे कि सभी लोग आकर वोट दें, वोट परसेंटेज, वोटर टर्नआउट जो है वो अच्छा रहे। तो मेन अभी असल में तो सुबह का मुद्दा तो यही है, आगे देखते हैं जैसे जैसे दिन ढलता है क्या रहती है परिस्थितियाँ। सबने कहा, जितने बड़े दलों ने प्रचार किया, सबने कहा कि कैराना में सबसे प्रबल मुद्दा पलायन है, कानून व्यवस्था है, व्यापारी जो वापस लौटे हैं वो मुद्दा है, और अब लौटे हैं क्योंकि अब सुरक्षा बेहतर हुई है कैराना की। आपके अनुसार यही मुद्दा रहेगा जनता के जहन में जब वो वोट डालने जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पलायन कोई मुद्दा है ही नहीं, ये खोखला मुद्दा है। अगर पलायन मुद्दा होता तो वो जो 300 परिवार की सूची इन्होंने दी थी, कहाँ है वो परिवार? क्यों नहीं ये उनको ला पाए? सिर्फ एक दो टोकन के तौर पर जो व्यापारी हैं, जो कारोबार बढ़ोतरी के सिलसिले में यहाँ से गए थे, उनको ला ला कर दिखाते हैं। तो पलायन कोई मुद्दा है ही नहीं, और जो लॉ एंड ऑर्डर की है, जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वो तो जो NCRB की रिपोर्ट्स हैं, अगर उन्हें उठाकर ये खुद पढ़े तो क्राइम में हर जगह बढ़ोतरी हुई है प्रदेश में। तो कोई इनकी सभी बातें झूठी हैं और झूठ के खिलाफ जनता वोट देगी। लगातार 2017 की बात करें या फिर उपचुनाव जो पहले तब की बात करें, मृगांका हमेशा सामने रही है एज ए कैंडिडेट, इस बार भी वो नाहिद के सामने है। क्या टफ फाइट आपने अपनी मृगांका से ही देख रही है नाहिद की, या फिर आपको लगता है कि जो दूसरे कैंडिडेट है वो भी कहीं ना कहीं फाइट में है? देखिए, फाइट यहाँ के लोकल प्रत्याशी से हमारी है ही नहीं, फाइट हमारी BJP के मशीनरी से है पूरी, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा फोकस और टारगेट कैराना को किया, तो कैराना की जनता की लड़ाई पूरी की पूरी BJP से है। तो लोकल प्रत्याशी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, और जनता मजबूती से भाजपा से ये लड़ाई लड़ेगी। लेकिन इकरा, अगर हम विकास की बात करें, मुद्दों की बात करें, तो कहा जाता है 2017 के बाद कैराना बदला है, कैराना की तस्वीर बदली है, लेकिन विधायक तो 2 साल मौजूद ही नहीं थे। जब ये तमाम सवाल जनता करती है तब उसका जवाब क्या देती है जब आप प्रचार के दौरान? देखिए, विपक्ष की जो भी मजबूत आवाजें रही हैं, चाहे वो आजम खान साहब हो, मेरे भाई हो, इनको दबाने का काम सरकार ने किया है, इनको अपने काम के क्षेत्र से दूर रखने का काम इस सरकार ने किया है। इसी अब उन्हीं मुद्दों को ये उठा रही हैं खुद ही कि वो यहाँ नहीं रहे, उनको रहने नहीं दिया सरकार ने, सारे जो केसेस हैं ये सरकार ने उन पर लगाए हैं, सभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, और एक साजिश रही थी मेरे भाई का कैरेक्टर असैसिनेट करने की, उसी के